क्वेश्चन नंबर 35। द एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट पर क्यूबिक एमएम या मिलीमीटर ऑफ ब्लड इज। पर मिलीमीटर क्यूबिक उसमें नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितनी होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो कितनी होनी चाहिए। सबको पता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स है ये क्या 2.5 लाख से 4.5 लाख तक होनी चाहिए, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट, अगर ये तो प्लेटलेट्स की हमारी नॉर्मल हो गई, अगर हम नॉर्मल हैं तो इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगले क्वेश्चन अगले में पता लग जाएगा, पॉलीसाइथीमिया ये क्या कंडीशन है। इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, इंक्रीज साइज ऑफ आरबीसी, इंक्रीज इराइथ्रो, ईएसआर का मतलब होता है इराइथ्रो सेडिमेंटेशन रेट, इरेथ्रो ईएसआर की मैंने फुल फॉर्म लिख दी क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म ही पूछता है वैसे इसकी वो। ये हमने इसके वो लिख ली। अब हम कहाँ थे, पॉलीसाइथीमिया क्या कंडीशन है। पॉलीसाइथीमिया एक वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो भाई आरबीसी है ये इंक्रीज हो जाती है, इसका नंबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ आरबीसी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। सीधी सी बात है, अगर ब्लड के अंदर क्या नाम आरबीसी इंक्रीज होगी तो जी क्या होगा, ज़्यादा ब्लड कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर ये एक ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो भी हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगी, ट्रांसपोर्टेशन में डिस्टर्बेंस ला देगी, हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में डिस्टर्बेंस ला देगी, और इसके चिलेटिंग टाइप एजेंट भी बनने लगते हैं ज़्यादा नंबर से। इस जो अगर आरबीसी का नंबर बढ़ता है तो इसे तुम क्या बोल रहे थे, पॉलीसाइथीमिया। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर से इसका जो अमाउंट है ये डिक्रीज होने लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। मैं लिख देता हूँ, डिक्रीज आरबीसी काउंट, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एनीमिया। अब मैंने इससे जो पिछला लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने बताया था एनीमिया हम आयरन की डेफिशिएंसी में बोलते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी में एनीमिया होता है। लेकिन अगर हम देखें आयरन हमारे हीमोग्लोबिन में भी तो आयरन ही होता है, हमारे ब्लड में भी क्या होगा, आयरन होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट कम हो रहा है, एक इसका मतलब ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट आरबीसी होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, सीरम होते हैं, और मतलब हमारी ब्लड के अंदर मेन आरबीसी होती है। अगर आरबीसी काउंट घट रहा है इसका मतलब ब्लड की जो वैल्यू है या उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, इसे हम एनीमिया बोलते हैं। वैसे एनीमिया आयरन के लिए यूज़ करते हैं, आरबीसी में भी एनीमिया ही बोलते हैं। अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाए तो पॉलीसाइथीमिया, इनके काउंट अगर बढ़ जाए तो पॉलीसाइथीमिया, और अगर कम हो जाए तो एनीमिया। इसी तरह इसका भी होता है, अगर प्लेटलेट्स है अगर ये कम हो जाए तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। स्पेलिंग देख लेना, THROMBO थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका क्या मतलब होता है, जो प्लेटलेट्स हैं, जो प्लेटलेट्स है वो क्या हो जाएंगी, गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, प्लेटलेट कम होने स्टार्ट हो जाएंगी, इसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट घट जाए, जो मेनली डेंगू में होता भी है। और अगर हम सो कहें कि अगर इसका इंक्रीज हो जाए, अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ स्पेस मिल जाएगा, इफ अगर प्लेटलेट्स इंक्रीज हो गई तो देखो इसमें मेजर कोई बीमारी नहीं होती, प्लेटलेट्स इंक्रीज होने से बीमारी तो नहीं होने की। लेकिन हाँ,
ब्लड क्लोटिंग जो हमारी ब्लड वेसल्स है इसके अंदर क्लोट का खतरा रहेगा, तो क्लोट रिस्क लिख देता हूँ मैं। मैंने पूरी सेंटेंस नहीं लिखा, मैंने खाली क्लोट रिस्क लिखा है, या क्लोटिंग रिस्क ठीक रहेगा, थोड़ा पढ़ने में याद आ जाएगा। जब भी हम इसे वापस रिवाइज करेंगे तो हमें याद आ जाएगा अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ जाए। तो ये प्लेटलेट्स बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है, मान लो हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, अब हम इन्फेक्शन से रिकवर कर रहे हैं तो भी हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ जाती है, WBC बढ़ जाती है, प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। तो अगर बहुत कम मतलब कुछ समय के लिए बढ़ रही है तो कोई ऐसा मेजर दिक्कत नहीं आने की, लेकिन अगर परमानेंट बढ़ी हुई है, घट नहीं रही है, ये हमारी बॉडी के अंदर जैसे 4.5 तो नॉर्मल है, अगर ये 10 लाख के आसपास कंटिन्यू रहे तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग के बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएंगे। हमारे जो जो वीन्स हैं, आर्टरीज हैं, इनके अंदर ब्लड क्लोट हो सकता है, और जिससे हम सबको पता है कितने बड़े बड़े नुकसान हमारी बॉडी को हो सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने सबसे पहले प्लेटलेट्स पढ़ी थी। प्लेटलेट्स का नॉर्मल लेवल 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख, अगर प्लेटलेट्स घट जाए तो क्या बोलते हैं इसे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और अगर प्लेटलेट्स बढ़ जाए तो बीमारी कुछ नहीं है ये, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, रेस्पिरेशन की बीमारी हो सकती है, और सबसे मेन फैक्टर है क्लोटिंग होकर, ब्लड क्लोट होकर मे बी हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन भी आ जाए। एक वो है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये हार्ट से रिलेटेड 3-4 टर्म है, हम सबको एक ही सोचते हैं, तो इनमें भी अंतर होता है, वो भी मैं बताऊंगा। शायद हेल्थ एजुकेशन में ये इसके अंदर ही है, वो टॉपिक है एक, ये भी बताएंगे, यहाँ भी हम कर चुके। देखो ये जो सेम ये वर्ड है ना, ये इससे पहले जब इससे जो पिछला लेक्चर था बायोकेमिस्ट्री का, उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन था, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है एनीमिया का, और एनीमिया का मैंने आपको बता रखा है। ये क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ये क्या होता है, ये आयरन की कमी से होता है। एनीमिया में मैंने एक ही बात बता रखी है, वो याद रखना है बस, ये आयरन की कमी से होता है। रिड्यूस एरिथ्रोपोइसिस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, या इनके अंदर से कोई नहीं। एनीमिया एनीमिया तो हमारे आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। अगर हम एराइथ्रोपोइसिस देखें तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा RBC काउंट है ये घट जाता है, ये जो हम एनीमिया ही बोलते हैं इसे भी, ये भी एक तरह का एनीमिया है, जिसके अंदर क्या है RBC काउंट हमारा क्या हो जाता है, कम होने लगता है। एक है डेफिशिएंसी ऑफ B12 और फोलिक एसिड, B12 और फोलिक एसिड अगर हमारी बॉडी के अंदर कम होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर B12 फोलिक एसिड कम होगा तो RBC का प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, क्योंकि ये किस में हेल्प करते हैं, हमारे RBC के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। DUC ये RBC के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ये किसकी वजह से होता है, आयरन की, इराइथ्रोपोइसिस की, मेगालोब्लास्टिक, ये तो सारे ही एक जैसे एनीमिया है। मैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारी एनीमिया है आयरन से रिलेटेड है, और मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है वो अभी मुझे, या तो कह लो मुझे पता नहीं या याद नहीं है, कुछ भी कह सकते हो, फिलहाल मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा कि इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन हो गए। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन ये भी अनीमिया करता है हमें पता है, इराइथ्रोपोइसिस का मतलब है RBC का जो काउंट है बॉडी के अंदर घटने लगे, ये भी एक तरह का अनीमिया है, और अगर विटामिन B12 फोलिक एसिड कम होगा तो ब्लड की फॉर्मेशन कम होगी, ब्लड फॉर्मेशन कम होगी तो ब्लड RBC भी कम होगी, RBC कम होगी तो ये भी अनीमिया होगा। तो इसका क्या आंसर होगा मैं कमेंट में बताऊंगा, मैं इसे नोट कर लेता हूँ, 37 मैं इसके कमेंट में इसका आंसर कर दूंगा क्या होगा, वो भी गूगल सर्च करके। बकाया मतलब अच्छे से हर जगह से उसे वेरीफाई करके कई जगह से, उसके बाद मैं इसका आंसर इसके कमेंट में कर दूंगा। अभी अगर मैं कुछ भी आंसर बता दूं फिर बाद में चेंज करूँ वो ठीक नहीं रहेगा।
क्योंकि अगर एक बार कोई सा भी आंसर हमने बोल दिया वो माइंड में छप गया तो फिर वो रिमूव करना थोड़ा परेशानी हो जाती है उसमें। अगला, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अकर ड्यू टू द, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वो किस वजह से होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि कब होता है, जब हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब हम यहाँ तक आई गए थे ये भी पढ़ते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर WBC है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, अगर इनका काउंट कम हो जाए तो क्या बोलते हैं इसे? ल्यूकोपीनिया, LUCOPENIA, ल्यूकोपीनिया। और अगर हमारी बॉडी के अंदर WBC का साइज, मतलब काउंट, सॉरी, अगर हमारी बॉडी के अंदर WBC का काउंट बढ़ने लगे तो क्या बोलेंगे उसे? उसे बोलेंगे लुकेमिया, जिसे हम सॉरी ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। एक ये भी टर्म है, अगर हमारी बॉडी के अंदर RBC का काउंट घटने लगे, RBC का काउंट घटने लगे, वही जो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन था, एनीमिया। इसके हमने तीन ऑप्शन पढ़ लिए। नेक्स्ट, द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, जो हमारा ब्लड है वो क्लोट होता है, वो किसकी वजह से होता है? मेरे ख्याल से ये तो हम सबको पहले से ही पता है। अब यहाँ एक चीज देख लेते हैं हम, बेसिक जो हमारे ये तीनों एक साथ मिल गए, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इनका फॉर्मेशन सबका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। एक खास बात, अगला क्वेश्चन है, चलो मैं उसके अंदर ही कंफर्म बताऊंगा इसे। इन सब का फॉर्मेशन तो कहाँ होता है? बोन मैरो में। और इनका एंड, या इनका ग्रेवयार्ड बोल देते हैं, इनका ग्रेवयार्ड या ये कहाँ खत्म होती है ये सब हमारी? ये स्प्लीन में ही खत्म होती है। एक तो खास बात है, डब्ल्यू आफ्टर फॉर्मेशन WBC मूव टू PHATIZ। हमारी तीनों बनती तो बोन मैरो के अंदर ही है, लेकिन जो WBC है, जब बन जाती है एक बार, ये स्टोर होने कहाँ चली जाती है? हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में या लिम्फ के अंदर चली जाती है। बनती बोन मैरो में है और मरती कहाँ है? स्प्लीन के अंदर। और जो न्यूट्रोफिल्स है, ये क्या है? एक टाइप है किसका? WBC का। मैंने जिन्हें जो कंटिन्यू लेते आ रहे हैं वीडियो ने पता होगा, मैंने बताया था इसके अंदर WBC के अंदर तीन वो होते हैं, बेजोफिल, एजिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स। मैंने इनकी एक वो भी बताई थी, BAN करके, बेन टेन वाली ट्रिक बताई थी, सबसे ज़्यादा मात्रा न्यूट्रोफिल्स की होती है, और फिर ई से एजिनोफिल्स होती है, BEN था वो, सॉरी, और BEN, बी से क्या हो गया हमारा? बेजोफिल्स। बेजोफिल, इजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये तीन बताए थे। सबसे ज़्यादा क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम क्या होती है? बेजोफिल्स या बिजिनोफिल्स, कुछ ही बोल लो। तो ये WBC का क्या है? टाइप है। मैं यहां लिख देता हूं टाइप, WBC के अंदर तीन टाइप होता है, उसी के एक टाइप क्या ही है। लेकिन एक साथ साथ ध्यान से सुनते भी चले। अब ये जो क्वेश्चन है, इसके हर जगह अलग अलग चीज मिलेगी। जो ये है ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स मतलब हमारी WBC, ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है? ये प्रोड्यूस तो होती है हमारी बोन मैरो से, और जाके स्टोर हो जाती है क्या? ये लिम्फ ग्लैंड से। तो जो हमारी ये जो, अगर ये कहे जैसे यहाँ था, अगर इनकी फॉर्मेशन कहे तो हम बोन मैरो लिखते हैं। अब ये प्रोड्यूस कह रहे हैं,
बनने के बाद अगर कहीं हमें एंटीजन पहुंचाना है उसके बाद कहे तो हम इसे लिम्फ लगाएंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन आए हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जो वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो WBC है वो बनती तो हमारी बोन मैरो के अंदर है। बोन मैरो के अंदर एक बार WBC बन गई, वहाँ से निकल के लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, और जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी पैथोजन कुछ भी आएगा लिम्फ से निकल के सीधा एक्शन करती है। ये इसका काम होता है। इसका मैंने लाइफ पीरियड भी बता रखा है, 7 से लेकर 14 दिन तक होता है। इसकी क्वांटिटी भी हमें पता है, जैसे हमने RBC की भी पता है क्वांटिटी 5.5 मिलियन है, 120 दिन उसकी क्या होती है लाइफ होती है। इसी तरह इसकी लाइफ 7 से 14 दिन है। काउंट इसका क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ज़्यादा काउंट नहीं होता है इसका, 8,000 के करीब मानते हैं, 6 से 8,000 इसका क्या होता है बॉडी के अंदर काउंट। इसकी एज भी क्या होती है कम होती है, 7 से 14 दिन में ख़त्म हो जाती है। ह्यूमन हार्ट इज, जो ह्यूमन हार्ट है कितने चैम्बर का है, इजी 4 चैम्बर। अब हमें याद होना चाहिए 3 चैम्बर का हार्ट किस किस का होता है, फेमस है जो हमारे एम्फीबियन, एंड रेप्टाइल, एक्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, क्रोकोडाइल। एम्फीबियन क्रोको सॉरी एम्फीबियन और रेप्टाइल के अंदर 3 चैम्बर हर्ट तो होता है, लेकिन इसकी में जो क्रोकोडाइल होता है इसका 4 चैम्बर का हर्ट होता है। ठीक है, ये याद होनी चाहिए, बात इम्पोर्टेंट भी है। 2 चैम्बर हर्ट किसका होता है, पीसीज, या इसे सिंपल भाषा में फिश भी बोलते हैं। जो फिश है इसका हर्ट कितने चैम्बर का होता है, हमारा 2 चैम्बर का हर्ट होता है। द ब्लड इज प्रोपेल्ड लंग्स, द ब्लड इज प्रोपेल्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजन थ्रू, जो ब्लड है वो प्रोपेल्ड किया जाता है लंग्स के लिए, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन लेने के लिए जो लंग्स को भेजा जाता है ब्लड वो किससे भेजा जाता है हार्ट के कौन से हिस्से से, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटीरियम। और ये देखो मैं इस क्वेश्चन को अभी यहाँ बना रहा हूँ सर्कल, अभी जस्ट 2-4 मिनट बाद, 2-4 मिनट के बाद आप खुद इसका आंसर बताओगे मुझे। मैं वापस इस क्वेश्चन को आऊँगा, इसका आंसर आप बताओगे, हम हार्ट को पूरा डिस्कस करेंगे, डबल सर्कुलेशन थोड़ा सा ताकि हमें कुछ आइडिया लगे। एक ही है, द कार्डिक साइकिल टाइम इज, जो कार्डिक साइकिल टाइम वो कितना होता है हम निकाल के देखते हैं। हमें क्या पता है, 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 72 से 75 टाइम, बीट का मतलब धड़कना, हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, ये बात पता है सबको। हमें पता है 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वही 72 से 75, यहाँ मुझे तो इसका आंसर पता है पहले, तो इसलिए मैं 72 से 75 में मैं 75 मान रहा हूँ। आप 72 मान के भी करोगे तो भी उसके आसपास जाके ईजिली पता लग जाएगा, हाँ 0 पॉइंट इसके पास है तो यही आंसर होगा। इस मुझे पता है कि इसका आंसर एग्जैक्ट किससे आएगा तो मैंने 75 लिख लिया, लेकिन हमें पता है हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 से 75 बार तक धड़कता है, 60 सेकंड में 75 टाइम। यहाँ तक ठीक है, ये कह रहा है अगर 60 सेकंड में 75 टाइम वो धड़कता है तो जो 1 बार धड़कता है वो कितनी देर में धड़कता है। कॉपी का ऑप्शन है इसमें, कॉपी नहीं, फायदे नहीं है कुछ कॉपी का। देखो कई बार ना मैं इसे एक बार पलट के लिख रहा हूँ ताकि किसी को भी, जिन्हें मैथ आती है उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जिन्हें थोड़ी मैथ से डर लगता है उन्हें भी इस गल टू के उधर जाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं पहले ही ठीक करके लिख रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया,
इज इक्वल टू की दोनों चीज़ें मैंने इन्हें पलट दिया 75 टाइम बीट 60 सेकंड में। अब हमें कितने टाइम पे बताना है, वन टाइम बताना है, वन टाइम बीट कितने में हो जाएगा ये। अब मैथ तो इजीली सबको पता है, 60 बाय का ऑप्शन बाय 75, 60 बाय 75। अब यहाँ इसका यूज होना पड़ेगा, देखो ऊपर 60 है नीचे 75 है, हम 5 से काटते हैं, सॉरी 15 से, 15 चौके 60, 15 5 75। अब जिस पे वैसे आता है पॉइंट लगा के जीरो लगा, 5 8 40 आ गया। मैं तो, मुझे तो बिल्कुल बेसिक से बताना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल ऐसे बताऊंगा जिसे आता हो, ठीक है। पॉइंट लगाया, जीरो लगाई, पॉइंट लग के जीरो लग गया, 5 8 40, 0.8 सेकेंड हो गया, जिन्हें आ गया तो ठीक ही है, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है सेम ही चीज़, बस जिन्हें मैथ का फोबिया होता है ना, उन्हें अगर हम ऐसे बताएं बिल्कुल समझ नहीं आती। पॉइंट लगाया, जीरो लगा ली क्योंकि इससे छोटा था। अब फाइव के टेबल में कितनी बार आता है, 8 बार, 5 8 5 8 40, इंग्लिश में मज़ा नहीं आता। ये क्या आ गया हमारा 0.8, ये क्या है 0.8 सेकेंड। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, अपनी कार्डिक साइकिल निकालते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं जब इतनी मेहनत की, तो एक लाइन और लिखनी है बस, इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। यहाँ हमें क्या पता लग गया, वन टाइम बीट हमारी क्या है 0.8 सेकेंड है। मुझे उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, ईजी था वो तो, मुझे समझाने में इतना टाइम लग गया, नहीं तो इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक होता है पुरकेंजे फाइबर, ये क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, पुरकेंजे फाइबर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये किडनी में, स्प्लीन में, हार्ट में, क्या कहीं नहीं, तो पुरकेंजे फाइबर हमारी हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसका कुछ काम वगैरह है या वैसे टाइम पास का ऑर्गन है, तो ये क्या है, ये पुरकेंजे फाइबर है, ये स्पेशली इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड, ये स्पेशली इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड। अगर इन्हें हल्का सा भी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, एक्साइट होके, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन में कई काम करती है, ये हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। इनकी वजह से जो हमारा हार्ट है कंटिन्यूसली धड़कता है। और वैसे तो पता होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन जिन्हें नहीं पता, हमारे पास अपना खुद का पर्सनल जनरेटर भी होता है हमारे पास ही। कहाँ होता है अभी अभी बताऊँगा, अगर आगे क्वेश्चन है उसके अंदर दिखाएंगे, हमारे पास जनरेटर है। और हाँ, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन, करंट अफेयर की रेगुलर वीडियो नहीं बन पा रही, तो वैसे ही एक एक दो दो चीज़ मैं वैसे ही बताते रहूँगा, लेकिन मैं पहले ही बता दूँ, जो हम ऐसे करंट अफेयर करेंगे, इस करंट अफेयर से हम अपने पेपर लाइक करंट अफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मेरी वो है बस, सबसे एक एडवाइस ही कर सकता हूँ मैं, तो एडवाइस ही करूँगा कि करंट अफेयर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई भी एक चीज़, या तो आप अगर आपको न्यूज़पेपर की आदत है पहले से ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं आज से न्यूज़पेपर पढ़ के अपने करंट अफेयर कर लूँगा, नहीं हो पाने की, दुनिया भर का मटेरियल आपके पास कहीं ना कहीं मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पे। कोई भी करंट अफेयर की सीरीज़ पकड़ के और उसे करने स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर मतलब 6 मंथ तक कर लो, ज़्यादा लंबी हमें करनी भी नहीं है। और इसके अंदर भी बहुत सारी स्टेटिक चीज़ होती है जो हम धीरे धीरे कर लेंगे, हमें पता हो जाएगी। जैसे बहुत बेसिक चीज़ होती है कि जो हमारे वो है, ईस्टर्न घाट कहाँ है, वेस्टर्न घाट क्या है, मानसून क्या होता है, ये कई बार इस जर्नल उसमें भी पूछ लेते हैं। या जैसे अभी भारत के अंदर बोरिस जॉनसन आए हुए हैं, तो इनकी मीटिंग है अभी कुछ समय बाद, इंडिया के जो पीएम है वो भी यूरोप के 3 देशों में जाएंगे, वो कौन कौन से देश हैं ये पूछ सकता है। आसपास की जो अभी करंट की घटना है उनमें हमें अवेयर होना है कैसी हो। अगर आप थोड़ी देर न्यूज़ भी सुन रहे हो ना, उसकी भी न्यूज़ के अंदर वो काम की बात कम, फालतू की बात ज़्यादा करते हैं। अगर आपको वैसे आदत है, इंटरेस्ट होता है किसी को सुनने का, तो उससे भी आपकी करंट अफेयर हो जाएगी। लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी ऐसे करेंगे तो हमारी करंट अफेयर नहीं होगी।
कोई भी एक वीडियो पकड़ के आप किसी भी चैनल से जो भी आपको सूट करता हो आप करंट अफेयर पिछले 6 मंथ की कर लो, इनफ है, होना होगा तो उसमें हो जाएगा। और अगर वहाँ से नहीं आया तो फिर तुम कुछ भी पढ़ लो, फिर नहीं वो कहीं से भी आने का, फिर पता ही नहीं लगने का कहाँ से आया क्या से नहीं आया। करंट करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है, कहाँ से क्या पूछ ले कुछ नहीं पता। किडनी के बारे में हमें सब पता है, इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। स्प्लीन के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी, स्प्लीन मुर्दा घर होता है, मेनली आरबीसी के लिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा आरबीसी ही होती है। द ओनली आर्टरी विच कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, वो कौन सी आर्टरी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है, पल्मोनरी आर्टरी। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, मैं सोच रहा हूँ सबसे एंड में इसको हार्ट के टॉपिक को करूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी 5-10 मिनट लंबी जाएगी। जिसे पता है हार्ट का टॉपिक वो अपनी लास्ट क्वेश्चन के बाद छोड़ सकता है वीडियो, और जिसे समझना होगा वो आगे कंटिन्यू रखेगा, इससे बाकी सबका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन पे सर्कल किए हैं, ये जब मैं समझाऊंगा उसके बाद आपसे पूछूंगा, आप खुद बताओगे इसका आंसर। एक जो हमारा पर्सनल जनरेटर तो आ गया हो, विच वन ऑफ दिस एक्ट एज अ पेस मेकर इन नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल रूटीन के अंदर पेस मेकर का काम कौन करता है। तो जो हमारे नॉर्मल नॉर्मल रूटीन में पेस मेकर का काम करता है वो करता है SA नोड। ये क्या करता है, जनरेटर का काम करता है। जनरेटर में क्या करता है, ये जनरेटर का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का, हल्का सा करंट प्रोवाइड करता है हमें। ये क्या करता है, जनरेट कार्डियक इम्पल्स, मतलब बहुत मिनिमम अमाउंट में हम करंट ही बोल सकते हैं उसे, उसे जनरेट करता है। ये जनरेट करने के बाद आपने, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, मुझे तो जब मैं ये चीज़ पढ़ता था मुझे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था, SA नोड AV नोड इनमें अंतर क्या है। ये तो जनरेट करता है, ये अपर पार्ट में होता है, ये लोअर में होता है, ये तो सबको पता ही होगा। ये जो AV नोड है ये इसके जो ये इसके इम्पल्स को क्या करता है, इंटेंसीफाइड करता है। इंटेंसीफाइड द जनरेटेड जो जनरेटेड इम्पल्स है उसे क्या करता है, इंटेंसीफाइड करता है। और पुरकंजे फाइबर हमें पता ही है, बंडल ऑफ फिश क्या करता है, इसका काम वही है, जो कार्डिक इम्पल्स है उसे बनाए रखना या उसका यूज करना, ये कार्डिक इम्पल्स के काम करता है। ये सब एक ही चीज से रिलेटेड है, इन सब का काम है इम्पल्स को, एक का है इम्पल्स जनरेट करना, दूसरे का काम है इम्पल्स को इंटेंसीफाइड करना, और तीसरे का काम क्या है, कार्डियक इम्पल्स से अपना मतलब काम करना या कार्डियक इम्पल्स को बनाए रखना। ये किसका काम हो गया, बंडल ऑफ फिश का है, सब इम्पल्स से रिलेटेड। एक साउंड होती है हार्ट के अंदर लब डब, ये किस चीज से रिलेटेड होती है, कार्डिक साइकिल से, कार्डिक आउटलेट से, या हर्ट साउंड से, हर्ट की साउंड ही है ये। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है हमें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमें क्या देता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारे हर्ट की। हर्ट के अंदर आपने सुना होगा वो ऐसे होती है, वो ऐसे चलता है, PQRS, इस तरह इम्पल्स की इंफॉर्मेशन देता है। मायोकार्डियम का मतलब ही होता है हर्ट, तो हर्ट की क्या देता है हमारी जानकारी, आउटपुट की नहीं देता, पूरे हर्ट की देता है ना, कार्डियक साइकिल की नहीं, जो हर्ट की मसल्स है उसे बोलते हैं मायोकार्डियम मसल्स। उन मसल्स के अंदर जो उसका कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन, डायस्टोल, सिस्टोल, ये सब बताता है यही। द अमाउंट ऑफ ब्लड, द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रेक्शन, जो प्रत्येक कॉन्ट्रेक्शन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट बोलते हैं, या हम इसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, या रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, या कुछ भी नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डिक आउटपुट होता है कि एक मिनट में इसने कितने
कितना अमाउंट जो ब्लड है वो हमारा पास अवे कर दिया। हमें पता है हमारी जो बॉडी है इसके अंदर 5 लीटर खून है, हार्ट हमारा एक ही है बेचारा, ये 5 लीटर खून को हर उसके अंदर 0.8 सेकंड में एक बार धड़कता है, तो हर उसमें कितने एमएल करेगा, हमारी बॉडी को कई बार ही क्या कर देता है, दिन के अंदर ही हमारे ब्लड को कई बार पंप आउट कर देता है। नेक्स्ट, बैरो रिसेप्टर इज कंसर्न विद, जो बैरो रिसेप्टर है किस चीज़ से कंसर्न होता है हमारा, पता होगा बहुत से बच्चों को, जो बैरो रिसेप्टर है ये हमारा किससे कंसर्न होता है, ब्लड प्रेशर से। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, ब्लड प्रेशर को नापने वाले या मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। दोबारा सुन लो, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्पेलिंग के लिए मुझे माफ कर देना, बाकी मैं लिख दूंगा, लेकिन 90% चांस है स्पेलिंग गलत हो। स्फिग्नोमैनोमीटर ये क्या करता है, बीपी नापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, बीपी मशीन का नाम क्या होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। एक ऐसी वर्ड होता है, बस खैर सबको पता ही है, डॉक्टर अपने कान में लगा के हार्ट बीट चेक करते हैं, उसे बोलते हैं स्टेथिस्कोप। क्या बोलते उसे, स्टेथिस्कोप। अब हार्ट रेट के लिए हमें पता है हम ECG भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, कंट्रोल ऑफ वीनस रिटर्न ये भी हम उससे पता लगा लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट तो इसका नहीं पता मुझे क्या होता है। ब्लड इज सप्लाई टू द हार्ट थ्रू, जो ब्लड है देखो याद रखने वाली बात है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी सप्लाई का काम हो, अगर कोई भी चीज़ हम हार्ट तक लेके जा रहे हैं वो हमारी किससे जाती है, कोरोनरी आर्टरी से, जो सबलिंगुअल आर्टरी है ये हमारे माउथ के पास होती है, जो कैरोटिड आर्टरी है ये हमारी आई से रिलेटेड होती है, जो हमारी कोरोनरी है ये हार्ट से। ये कीवर्ड होते हैं, जो अभी कैरोटिड लग जाए ये हमारी आई से होती है, कैरोटिड रूट वर्ड है आई का, कोरोनरी हमारा हार्ट का है, और सबलिंगुअल हम कह सकते हैं हमारे सलाइवा में होता है, वैसे तो माउथ से रिलेटेड है। और पल्मोनरी, ये किससे होती है, लंग से। ये कीवर्ड है, ये पता होंगे तो हमें बहुत इजी होगा, अब हमें स्पेस चाहिए बस थोड़ा सा। इतने में समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसे डबल सर्कुलेशन पता है वो इजीली छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और जिसे है कि हमें थोड़ा सा समझना है तो वो समझ सकते हैं। देखो ये तो है हमारा लंग्स, ये रहा हमारा हार्ट, ये इसके चैम्बर कर देते हैं, ये एक मिनट थोड़ा चलने में दिक्कत सी, ये हमारा टिश्यू, हमारा क्या हो गया, टिश्यू हो गया, ये चार चैम्बर हो गए, ऊपर वाले को एटीरियम बोलते हैं, एक सेकंड बस, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हम एटीरियम बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, जो हमारे लेफ्ट में है वो लेफ्ट एटीरियम, जो राइट में है वो राइट एटीरियम, ये क्या हो गया राइट, ये क्या हो गया सॉरी, ये ऐसे घूम के आएगा ना, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये अपनी तरफ लगा के देखोगे तो ये वैसे अगर हम
स्क्रीन पे देख रहे थे, हमारे राइट में पढ़ रहा है, लेकिन ये अगर हम इसे चिपका के अपने सीने पे लगाएं तो हम क्या देखेंगे, ये हमारे लेफ्ट में ही होगा। अभी फोर्थ चैम्बर हर्ट है, हमें पता है कि इसका क्या काम होता है। ये लंग्स है हमारा, ये हर्ट है, और ये हमारा टिश्यू हो गया। यहाँ तक कि हमें बात क्लियर हो गई। अब होता क्या है, जो मेन वो है, यहाँ से जो ये वेंट्रिकल है, यहाँ से पंप होता है हर्ट, ये पंप करता है और निकल के ये जो हमारी वीन से कहाँ जाती है, लंग्स में, यहाँ से ऑक्सीजन लेती है। इससे ऑक्सीजन लेने के बाद ये कहाँ जाता है, इस वेंट्रिकल में। इस वेंट्रिकल से ये निकल के ऐसे यहाँ से पंप होके एट्रियम से होके ये कहाँ जाता है, हमारे टिश्यू में, ऑर्गन में। यहाँ से टिश्यू में ऑक्सीजन यूज़ करी, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई, और ये कहाँ डाल दिया जाता है, हमारे एटीरियम में, और एटीरियम से वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से फिर वापस कहाँ जाता है, ये लंग्स में, ऐसे करके चलता है। मुझे उम्मीद है ये समझ आ गई होगी बात। मैं एक बार एरो बना देता हूँ इसकी, ये वाला एरो, तो ये ऐसे यहाँ से फिर ऐसे फिर ऐसे, ये आया ऐसे। भी ड्राइंग के लिए मुझे माफ़ कर देना, ऐसी है मेरी ड्राइंग, और ये ऐसे। ये मैं बात पता लगी, ये हमारा लेफ्ट एटीरियम है, ये राइट एटीरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। जो हमारी ये वीन्स होती है, सॉरी, ये जो हमारी ये जारी होती है वेन्स, इन्हें बोलते हैं आर्टरी। और ये जो हमारी आती है, इन्हें बोलते हैं वीन्स। जो हार्ट से यहाँ निकलती है, जस्ट एरोटा बोलते हैं, आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी का नाम एरोटो है। ये तो ये हो गई, लेकिन जो ऊपर है, देखो, जो हार्ट से जा रही है, इन्हें तो आर्टरी बोलते हैं, लेकिन जो वीन से होकर वापस हार्ट से निकल के इधर जा रही है, इसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये इनके नाम अपोजिट है यहाँ। और ये क्या है, पल्मोनरी का मतलब ये है लंग्स से रिलेटेड, और इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वीन्स। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, बस ये बताया पल्मोनरी आर्टरी क्या है, पल्मोनरी वीन्स क्या है, आर्टरीज क्या होती है हमारी, वीन्स क्या होती है, ब्लड कैसे कैसे आता है। अब एक क्वेश्चन हमने निशान लगाया था, पहले हम उस पर जाते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है, द ब्लड इज प्रोपेल्ड टू लंग्स। जो ब्लड लंग्स को भेजा जाता है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। देखो, इस वाले यहाँ यहाँ से ये ऑक्सीजन टिश्यू ने यूज किया, अब ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये कहाँ गया, हार्ट में, और हार्ट ने इसे किसे भेजा, लंग्स को भेजा, किसके अंदर ऑक्सीजन डाल दे। तो किसने भेजा ये चीज़, ये हमारी वेंट्रिकल ने भेजी, और कौन से वेंट्रिकल ने भेजी, राइट साइड के वेंट्रिकल ने। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। अब इजीली सबको पता लग गया होगा, याद करने की कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं। एक क्वेश्चन और था जो हमने सर्कल किया था, कहाँ है, द ओनली आर्टरी, वो कौन सी आर्टरी है जो क्या कंटेन करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। डी का मतलब ही होता है रिमूव करना, और जिसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी हो, जैसे मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया था, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी मतलब जिसके अंदर से ऑक्सीजन हमने निकाल दिया हो। इसी तरह यहाँ क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर से हमने ऑक्सीजन निकाल लिया हो, ऐसा ब्लड। याद होगा सबको डी ऑक्सी राइबो वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था। देखो, ये इस साइड की सब आर्टरीज हैं, इधर इधर जो भी तुम्हें मिलेंगी सब आर्टरीज मिलेंगी, लेकिन ये जितनी भी हैं इन सब के पास ऑक्सीजन है। यहाँ से लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, इधर की आर्टरी के पास तो ऑक्सीजन है, लेकिन ये जो ये वीन्स है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसके पास भी नहीं था, यहाँ से जो निकाला इसके पास भी ऑक्सीजन नहीं था। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ हमने क्या देखा,
पल्मोनरी आर्टरीज का एग्जांपल तो ही लगा भी रखा हमने, पल्मोनरी आर्टरी के पास ऑक्सीजन नहीं होता। कल को वो ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसी कौन सी वीन्स है, देखो ये जो जितनी भी वीन है इनके पास ऑक्सीजन नहीं है किसी के पास भी, वो कह देगा ऐसी कौन सी वीन है वीन्स है जिसके पास ऑक्सीजन होता है, तो हम क्या बताएंगे उसका आंसर, पल्मोनरी वीन्स। बस आज की वीडियो यहाँ तक ही, मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा, जिसे पहले से आता है उसका थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया होगा टॉपिक, और जिसे इनमें थोड़ा सा डाउट था उसे थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही।